हेलो एवरीवन, मैं हिमांशु शर्मा फ्रॉम डीवी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीकर से। आज क्लास फिफ्थ के लिए हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है द फिश टेल। और द फिश टेल में हमने कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 3 पे जो हमने ए और बी पार्ट था क्वेश्चन का, वो हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर सी से। तो क्वेश्चन नंबर सी क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर सी है अबाउट हाउ मच डज द वेल शार्क वे देन 12 चिल्ड्रन लाइक यू पुट टुगेदर। अगर मान लो आपके जैसे 12 बच्चों को अगर क्या कर दिया जाए, साथ में रख दिया जाए, अगर आपके जैसे 12 बच्चों को साथ में रख दिया जाए तो कितना वजन हो जाएगा? उस वो जो वेल शार्क होगी उसका वजन आप जैसे 12 बच्चों के वजन से कितना ज़्यादा वजन होगा ये बताना है। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? वेट ऑफ ए व्हेल शार्क, एक व्हेल शार्क का वजन कितना होता है? 16,000 किलोग्राम होता है। कितना होता है? 16,000 किलोग्राम होता है। वेट ऑफ 12 चिल्ड्रन, ऐसे ही 12 बच्चों का जो वजन होगा वो कितना होगा? 420 किलोग्राम। कितना होता है? 420 किलोग्राम होता है। तो डिफरेंस इन वेट, उनके वेट में जो डिफरेंस आएगा, मतलब 16,000 माइनस 420 केजी, तो 16,000 में से 420 केजी चला जाएगा तो कितना बचेगा? 15,500 केजी बचेगा। कितना बचेगा? 15,500 केजी बचेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि एक जो व्हेल शार्क होती है उसमें 15,580 केजी वेट क्या होता है? ज़्यादा होता है 12 बच्चों से। क्लियर है? तो क्या लिखा है? सो द व्हेल शार्क विल वे 15,580 किलोग्राम मोर देन 12 चिल्ड्रन लाइक मी पुट टुगेदर। अगर आपके जैसे 12 बच्चे जिसमें एक बच्चे में 35 किलोग्राम अगर वेट हो, तो ऐसे 12 बच्चों से भी 15,580 किलोग्राम क्या होगी? ज्यादा वजन में होगी। कौन? एक व्हेल शार्क मछली। क्लियर है यहाँ तक? सो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर सी अच्छे से समझ में आया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ए की, जो कि पेज नंबर 5 पे। क्लियर है? द फिशरमैन इन देयर बोट, फिशरमैन इन देयर बोट का जो पार्ट है ना, जिसमें हमने पढ़ा था कि फिशरमैन होता है वो किस तरीके से मछली के लिए बहुत बड़ा जाल बिछाता है और उसको पानी में डालता है, फिर थोड़ी देर तक उस जाल को पानी में पड़ा रहने देता है, फिर मछलियाँ आती है और उस जाल के अंदर फंस जाती है और बहुत सारे जो मछुआरे होते हैं, जो फिशरमैन होते हैं, वो उसको पकड़ के अपनी बोट में डाल के ले आते हैं और फिर मार्केट में क्या करते हैं? उसको सेल करते हैं, उसको बेचते हैं। ठीक है? तो ये उसी पार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। हाउ मैनी ऑफ यू हैव सीन द सी, आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने समुद्र को देखा है? कितने लोगों ने समुद्र को देखा है? वेयर डिड यू सी द इट, ये पूछा है कि आपने समुद्र को कहाँ पे देखा है। ठीक है? डिड यू सी इट इन ए मूवी, क्या आपने जो समुद्र है, सी है, उसको मूवी में देखा है और फॉर रियल, या उसको रियल में देखा है? हाउ डीप डू यू थिंक द सी कुड बी, फाइंड आउट। आपको ये बताना है कि जो समुद्र होता है वो कितना गहरा होता है, इसके बारे में आपको बताना है कि समुद्र की गहराई कितनी होती है। तो सबसे पहले जो आपका आंसर है वो ये है, आपको ये लिखना है, आई हैव सीन द सी एंड मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स हैव ऑल्सो सीन द सी एट मुंबई ड्यूरिंग ए ट्रिप। आप मान लो कहीं ट्रिप पे गए हो, आप और आपके फ्रेंड स्कूल की तरफ से कोई ट्रिप गई हो, या फिर अपने किसी जो आस पड़ोस के जितने भी जो लोग हैं उनके साथ में कहीं घूमने गए हो मुंबई में, और मुंबई में एक ट्रिप के दौरान जब आप घूमने गए थे तो वहाँ पे आपने क्या देखा था? एक बहुत बड़ा क्या देखा था? समुद्र देखा था, सी देखा था आपने। आई हैव ऑल्सो सीन द सी इन ए मूवी, आपने एक मूवी के अंदर भी क्या देखा है? समुद्र देखा है। बहुत सारी मूवियाँ ऐसी होती है जिसके अंदर समुद्र को क्या किया जाता है? दिखाया जाता है। द सी शुड बी एटलीस्ट 1,000 फीट डीप, जो समुद्र होता है वो कम से कम 1,000 फीट क्या होता है? गहरा होता है। क्या होता है? 1,000 फीट गहरा होता है, मतलब उसकी गहराई 1,000 फीट की होती है। हम पक्का नहीं कह सकते कि इतने 1,000 फीट होगा, बट
बहुत हजारों फीट गहरा होता है। क्लियर है यहाँ तक? सो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर ए और क्वेश्चन नंबर सी ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इन क्वेश्चंस में आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरीज है, तो जाइए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए या स्कूल के दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।